हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता। एक बड़ी अपडेट के साथ आया हूं, और आज की अपडेट में क्या है भाई कि बोर्ड परीक्षा का दबाव जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है सीबीएसई, और इस वजह से थोड़े से पैटर्न में हुए बदलाव, जो भी आपकी परीक्षा जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, और पैटर्न में बदलाव हुए हैं तो कुछ जो मार्क्स मार्किंग स्कीम है उसका भी हेर फेर हुआ है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखिए। तो भाई सीबीएसई को क्या लगता है कि भाई बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, 10th और 12th के जो भी स्टूडेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि कुछ पैटर्न में परिवर्तन किए, और उसकी वजह से मार्किंग स्कीम में परिवर्तन हुए, और फिर क्या हुआ कि भाई बहुत बड़े बदलाव आने के लिए इन्होंने कुछ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा लाए हैं। तो वो कहां से पता चलेंगे, वो आपको पता चलेंगे सैंपल पेपर से पता चलेंगे भाई। कहां से? www.cbse.nic.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, वहां पे जो सैंपल पेपर आए हैं उसके अंदर जो नया पैटर्न है उसको लागू किया गया है, तो वहां पर जाकर के आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि पहले ये चीजें नहीं होती थी और अब ये चीजें होती हैं। तो जैसे कि सबसे बड़ी चीज अगर मैं बताऊं, 10th क्लास के बच्चे जो अगर गलती से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए भाई जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, योग्यता या केस आधारित प्रश्न, वो 50% हो गए हैं, ठीक है, 50% हो गए हैं। सीधे हम 12th की तरफ आते हैं, 12th के लिए हमें बोला गया है कि कक्षा 12 में कम से कम 40% प्रश्न योग्यता आधारित या केस स्टडीड व अन्य प्रकार के होंगे, तो इसका मतलब क्या कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 40% तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसको लेकर के बच्चे चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई ऐसे कैसे कर पाएंगे, भाई केस स्टडी तो प्रॉब्लम देती ही है, ठीक है। तो भाई अब क्या करने की कोशिश करिए, प्रेशर हल्का हो रहा है या प्रेशर ज्यादा बना रहे हैं आपके ऊपर? भाई पॉइंट ये है कि जिस तरह का पैटर्न ये सीबीएसई लाने वाली है, ला रही है इस बार, तो वो पैटर्न आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। केस बेस्ड स्टडीज जो आपकी होती है, केस स्टडीज जो होती है वो क्या होती है, वो आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपकी जो थियोरेटिकल एप्लीकेशन है, यानी जो आपको बुक्स में सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सिखाती है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया है कि जो भाई रटने वाले छात्र हैं, विषय को रटकर परीक्षा देने वाले छात्रों को भी सिलेबस के पाठ ना केवल पढ़ने बल्कि अच्छी तरह समझने भी होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो भाई, तो पढ़ करके ही बच्चा पास होगा ये चाह रही है सीबीएसई, और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो 40% प्रश्न जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडीज होंगी, इसमें केस स्टडी आधारित, सोर्स बेस्ड, प्रयोग पर आधारित, पैसेज संबंधी, यानी पैसेज फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, या फिर कोड या एप्लीकेशन पर आधारित होंगे। यह भी 20% प्रतिक्रिया आधारित, यानी आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे, कि रिस्पॉन्सिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कि आपसे पूछेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, बताओ आप होते तो क्या करते, ठीक है। तो 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे, ओके, और 20 प्रश्न बहुविकल्पीय यानी MCQ होने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस, जो कि आपने पहले भी देखा 20 क्वेश्चंस होते ही है, और शेष 40% क्या है भाई, निर्मित प्रतिक्रिया प्रश्न, यानी संक्षिप्त और दीर्घ उत्तरीय, यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो आप करते हो, लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप, वो क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, सैंपल पेपर जरूर देखना है इस बार का, और जिसने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखा है वो हमारे साथ भाई जुड़ सकता है, सैंपल पेपर ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है, सैंपल पेपर यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्या करना है भाई आपको, आपको यूट्यूब अपना ओपन करना है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। YouTube पे जाएंगे आप, अभी जहां पे ये वीडियो देख रहे हैं कॉमर्स अड्डा 24/7, वहां पर आपको जाना है, और ये आपका चैनल आ जाएगा भाई प्यारा सा। यहां पर आपको क्या मिलेगा, आप स्क्रॉल करोगे होम पेज पे ही, तो सबसे ऊपर आपको यहां पे दिखाई जा रही है भाई सैंपल पेपर की सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आपको सारे सैंपल पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे भाई। बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं, 2 महीने से पहले हमने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया था, आपको सौंप दिया था, अब आपकी जिम्मेदारी है इसको पढ़ना और समझना। बाकी सारी गाइडेंस के लिए वीडियोज आती जा रही है, स्ट्रैटेजी आपको फाइनल स्ट्रैटेजी मिल चुकी है, इसको जरूर जाकर के देखिए, और यहाँ पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं, बीएसटी, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सारी प्लेलिस्ट तैयार है। अकाउंटेंसी की अगर प्लेलिस्ट खोलते हैं
पूरा सिलेबस बेटा मैंने आपको करा दिया, तो यहाँ पर आकर के आपको सिलेबस कवर कर लेना है। अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं करा, जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप इस 30 दिन के अंदर, ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये वीडियो अगर आप देखेंगे, ये 30 दिन के अंदर अंदर बेटा, तीन महीने के अंदर अंदर आप बहुत ही आराम से अपने आप को इतना बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपकी एग्जाम्स के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।